अगर इनको अकबर ने इलाहाबाद नहीं बसाया था, अकबर ने ही इलाहाबाद बसाया, शहर शहर इकबाल नहीं पढ़ेगा तो किसको रोजगार मिलेगा। ग्रेटर गोल 2019 है, नाम बदलना अच्छी चीज है, लेकिन आप उसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी बनाते हैं, श्रद्धा है तो चुपचाप नाम बदल दिए होते ना। अरे सर, आप तो वही राधा हो ना जिसको अपने पूर्वज कृष्ण का नाम लेने में भी शर्म आता है, जिसके नाम पे जिसकी आइडियोलॉजी पे ये हमारा देश बना है। पूरे राजनीतिक इतिहास में आपने पार्टी का कोई भी नेता क्या एक सेकंड कृष्ण मंदिर में जिन्होंने नाम लेने में शर्म आती है, तब सुन लीजिए बिल्कुल, एक ताजमहल जैसी बिल्डिंग बनवा दो, नहीं बनवाओ ताजमहल के कारण इंडिया कंगाल हो गया, कंगाल नहीं हो गया, इंडिया में खजाना भरा जा रहा है, खजाना भरा नहीं जा रहा है, इंडिया ताजमहल के नाम पे होता है, शाहजहां इसलिए कंगाल हो गया, औरंगजेब ने जितने भारत की जमीन को बढ़ा दिया मोदी जी ने उसमें घटा दी जमीन, इंडिया तक जोड़ दिए, आज ने बांग्लादेश तक बनाने के चक्कर में इंडिया का खजाना शाहजहां का खजाना बर्बाद हो गया, लौट के लिए फ्रीज बैंक में यही रहा खजाना, ही काम आ रहा है। अकरम कादिर साहब, तो चलिए जल्दी से मुद्दे की बात के आज के सवाल भी ले लेते हैं और फिर रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज मुद्दे की बात का पहला सवाल पूछेंगे, जहां पर शहरों के नाम बदलने के से क्या मुद्दा भटकाने की कोशिश है बीजेपी की। सवाल यह भी पूछेंगे, क्या मुगलों का नाम हटाने से हिंदू बीजेपी को वोट देगा, इस बात की क्या गारंटी। मुगलों के नाम से मुसलमानों को प्यार, इसलिए बीजेपी को एतराज, सवाल यह भी पूछेंगे। और सवाल यह भी कि मुगल क्या बहाना है, हिंदू वोट बैंक सीधे तौर पर बीजेपी का निशाना है, नाम से ही बनेगा 2019 का काम, सवाल यह भी मुद्दे की बात में अपने मेहमानों से। आपको बता दें आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है इस वक्त, नोएडा से हमारे साथ ए के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, और है जब डॉलर में आप ज्यादा खरीद करते आप हैं और खरीद किस लिए हुए, मैक्सिमम डिफेंस के लिए हुए, नहीं आप देखिए खरीद मैक्सिमम डिफेंस प्रोडक्ट। अपने दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, मेरी दरख्वास्त है प्लीज एक डिसिप्लिन बना के रखिएगा, मैं उम्मीद करूंगा वरना फिर मेरे को ऑडियो गिराना पड़ेगा नीचे। ए के मिश्रा साहब, सवाल मेरा आपसे है, इतिहास की भूल सुधारे या फिर चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बड़े अलग अलग हैं और दोनों को समझना चाहिए। नाम बदलना, स्पेशली जैसे बीजेपी जो कर रही है, प्रयागराज कर दिया या ऐतिहासिक स्थलों का नाम बदल के उनके ओरिजिनल नाम को लेके जाना, और पॉलिटिक्स, बीजेपी बड़ी चालाकी से एक काम तो बड़ा अच्छा कर रही है जिसको एक भारतीय होने के नाते मैं गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स करना इन राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, काम है, सही है या गलत है मुझे नहीं पता, और ये कर रही है बड़ी चालाकी से। देखिए इलाहाबाद का नाम अगर मैं ये मान लूं कि अकबर ने बदला, तो अकबर ने इलाहाबाद का नाम इसलिए बदला था कि अपने पर्सनल रिलीजियस और पॉलिटिकल गेन के लिए बदला था, फालतू में उसने नहीं बदला था, उसका भी अपना एक पॉलिटिकल था। यही क्वेश्चन मैं अकबर से पूछना चाहता हूं कि अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था तो उसको क्या पड़ी थी छेड़खानी करने की? आज अगर नाम बदलना गलत है तो यही चीज अकबर से पूछिए ना कि उस वक्त भी तो नाम बदलना गलत था। दूसरी चीज, हमारे देश में जो नाम रखा जाता है आइडियोलॉजी, नाम में हम लोग एकदम गरीब नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी बहुत ऊंची रही है, हम इसमें कंगाल नहीं है, तो नाम के लिए हमें अंग्रेज या मुगल आइडियोलॉजी या उनके कल्चर की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ शहरों का नाम रखा जाता था तो उस महान आदमी के नाम पे रखा जाता था जिसने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके बढ़ाया है। बाबर भी मैं बोलता हूं कि ठीक था, उसने राज किया, लेकिन बाबर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, शासन करना राज करना दूसरी चीज होती है और सोसाइटी को त्याग करके कंट्रीब्यूट करना दूसरी चीज होती है। ये हमारे देश के महापुरुषों ने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए हमारे शहरों का नाम हमारे महापुरुषों के नाम पे होता है। रही बात मुगलों की, हमें मुगलों से दिक्कत नहीं है, हमें अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उनकी आइडियोलॉजी से। कोई भी बाहर का आया हो, चाहे कुषाण रहे हो, चाहे कोई भी, जिसने यहाँ की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और यहाँ के समाज को कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ाया, वो हमारे लिए आदरणीय है। मुगलों में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दारा शिकोह की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं फेवर करता हूं उसको, वो औरंगजेब से तो ज्यादा बेटर था। आप एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप उन मुसलमानों के नाम पे शहरों का नाम रखेंगे, खिलजी, बाबर, जिसने लाखों की जो है लाशें गिरा दी, और आप आइडियोलॉजी बनाते हैं। एके मिश्रा साहब, डॉक्टर विनीत, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, मनोज यादव फिर अकरम कादरी साहब को एतराज क्यों है? फिर सवाल तो ये खड़ा होता है, अगर मैं बताता हूं एतराज क्यों है, मैं बता रहा हूं ना एतराज नाम में क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखो प्रियंका गांधी मैडम की शादी हो गई रॉबर्ट्स वाड्रा जी से, उनका नाम बाड्रा हो जाना चाहिए। जरा पूछिए ना, गांधी नाम आज तक लेके क्यों लटक रहे हैं?
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम आप जरा बदल दीजिए, पाकिस्तान स्वयंसेवक कर दीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदल के पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस कर दीजिए। यही नाम का चक्कर है कि समाजवादी पार्टी के दोनों मुखिया माननीय मुलायम सिंह माननीय अखिलेश यादव एक महीने तक स्टेज पे लड़ते रहे और इलेक्शन कमीशन तक बात चली गई कि समाजवादी पार्टी नाम और चिन्ह के ऊपर किसका अधिकार है, बाप या बेटे का। तो ये महत्व है नाम का। एक सेकंड नाम की बात हो रही है मनोज यादव, एक सेकंड मैं काम की भी बात करूंगा। आप लोगों ने क्या काम किया है? एक सेकंड 70 साल के बाद भी रोटी कपड़ा मकान वही रुकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पाई। मनोज मैंने नाम क्या रखा है सर? मनोज मैंने कार्यक्रम का नाम क्या रखा है? यही नाम है मेरे कार्यक्रम का। एक सेकंड मैंने नाम भी यही रखा है। नाम बोलता है या काम बोलता है? ईरानी शब्द। एक सेकंड मनोज यादव प्लीज, डॉक्टर विनीत ईरानी, एक सेकंड मैं बहुत देर से गया नहीं डॉक्टर विनीत, एक सेकंड डॉक्टर विनीत खुश तो होंगे आप बहुत जी। आपका काम कर रही है बीजेपी बाखूबी, योगी जी एजेंडे पर जुड़े हुए हैं, रमन सिंह पैर छू रहे हैं आजकल, तिलक जी जो आपने कहा है वो उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मेरी खुशी किस बात से है कि रमन जी पैर छू रहे हैं या कोई का क्या कार्य कर रहा है। क्यों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ? आरएसएस खुश नहीं हुआ? सिद्धांत रहा है कि जो हमारे गौरवशाली जो हमारा इतिहास, तिलक जी आप भी इस बात से सहमत होंगे और जो मेरे जो हमारे साथी आज स्टूडियो में है और वहां नोएडा में बैठे हुए हैं वो लोग भी बहुत सहमत हुए होंगे कि क्या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है कि नहीं रहा है, क्या हमारी गौरवशाली संस्कृति रही है कि नहीं रही है। रही बात, मैंने आपको अभी तक, आप मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बहुत बोलते रहे मैं कुछ नहीं बोला, आप मेरी भी बात सुन लीजिए, क्या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है? एक सेकंड संस्कृति रही है कि नहीं रही है? और हर एक भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो अपने गौरवशाली इतिहास को सजोए और संस्कृति और विरासत को अपना बचाए। रही बात प्रयागराज के नाम बदलने की, तो विश्व में एक मिनट हमको पूरी बात कर लीजिए, विश्व में काशी के बाद दूसरा अगर कोई शहर जाना जाता था तो वो था प्रयागराज। अगर ब्रह्मा जी ने कहीं पे यज्ञ किया तो वो था प्रयागराज। अगर भगवान राम ने दशरथ की अस्थियां बिहाई तो वो था प्रयागराज। अगर हनुमान जी ने कहीं पे प्रयागराज में बात है, सारे नेताओं को मोक्ष तो वहीं पे मिलता है प्रयागराज में। इतिहास को अगर हम अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को बचाते हैं तो ये केवल सिर्फ बीजेपी का कार्य नहीं है, ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्य का नहीं है, सारे मुगलों के नाम हटवा देंगे। हर डॉक्टर विनीत और हर व्यक्ति हर संस्था डॉक्टर विनीत नहीं, सारे मुगलों ने हमारे लिए पूजनीय है, जैसा कि मिश्रा जी ने भी कहा हमारे लिए पूजनीय है, बताइए बाबर पूजनीय है क्या? पूजनीय है हमारे लिए आजाद भी पूजनीय है, लेकिन जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत की अस्मिता को लूटा, अगर आप लोगों के लिए अब्दुल कलाम पूजनीय है ना, उनके नाम आप जाते हैं एमयू में जो सोच पैदा हो रही है उनकी जयंती थी वहां बैठ के ना फोटो खिंचवा के आ जाते, इतना ही काफी था उनकी सोच बदलती। जो एमयू के लड़का गया है उनकी सोच बदलती है छात्रों की। अभी मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगा और मैं अपने अन्य साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि अगर क्या आप सभी लोगों को पता होगा कि नालंदा का कैसा इतिहास रहा है? नालंदा सिर्फ भारत की संस्कृत विरासत नहीं थी, नालंदा पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत थी। और तिलक जी और मेरे अन्य साथी, मैं आपको जानकारी राम मंदिर बनवा दीजिए वही काफी है, चांसलर जी से भेंट, हिंदू कह रहे हैं राम मंदिर बनवाइए वही काफी, आरएसएस के लिए राम मंदिर बनवाइए पहले और फिर कहिए इनको नाम बदलिए। नालंदा का वो गौरवशाली इतिहास, रोजगार दिलवाइए 25 साल में इन्होंने 25 ईंट रखा है राम मंदिर में, ये लोग क्या राम मंदिर बनाएंगे बीजेपी और आरएसएस वाले? 25 साल में अगर इन्होंने अयोध्या में 25 ईंट रखी हो तो मैं मान लूंगा इनकी नियत है। ठीक है एक सेकंड मनोज यादव पहले एक सेकंड अक्कम कादरी के पास मनोज यादव एक सेकंड पूर्ण कर लेने दीजिए। नालंदा वो एक गौरवशाली इतिहास था जिस पे पूरा विश्व गर्व करता था, पूरे विश्व के देश के लोग यहाँ से पढ़ने आते थे, वो हमारा। अगर किसी विदेशी आक्रांता ने उस नालंदा को नष्ट किया, नालंदा के ज्ञान को नष्ट किया, तो क्या हम उसका पूजन और वंदन करेंगे? ताजमहल कब तुड़वा रहे?
नहीं ताजमहल पे हमारा कोई नहीं, ताजमहल हमारी भारत की एक विरासत है, हमारी भारत की एक विरासत है हम और हमारा संगठन को नहीं ताजमहल पे कभी और मुद्दे पे आएंगे, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार तुड़वाएंगे, कुतुब मीनार तुड़वा रहे, कब तुड़वा रहे कुतुब मीनार, कि किसी भी संगठन को बोलने से पहले पहले उस संगठन के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो जो सर मनोज यादव जिस पार्टी से आते हैं, अक्रम कादरी साहब जिस पार्टी से आते हैं, उनके नेता बैठकर यहाँ सर्टिफिकेट देते हैं, संदीप द्विवेदी जैसी पार्टी के भी, भैया कौन किस पार्टी से है? अगर एंकर सवाल पूछता है तो एक सेकंड चाहिए मनोज यादव, और गलती इन लोगों की नहीं है मनोज यादव, एक सेकंड, स्वयंसेवक संघ क्या, एक सेकंड, क्योंकि जिस जिस समाजवाद हो गया डॉक्टर साहब, प्लीज एक सेकंड, भाषा की बात करती हैं, एक सेकंड मनोज यादव, फिर मैं अकरम कादरी साहब के पास जा रहा हूं। अब ये बताइए कि अगर मगर किंतु परंतु हिंदू वोट बैंक की राजनीति ये कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। देखिए अगर हिंदू की राजनीति कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर हिंदुओं को सहारनपुर में उन हिंदुओं को काहे प्रताड़ित करती है योगी सरकार, काहे उनके ऊपर हजारों मुकदमे लगाती है, फिर वो दलित हो जाता है, बैकवर्ड को नौकरी के आरक्षण पर काहे के लिए बीजेपी के पेट में दर्द, आरएसएस को बड़ा वाला आपने नाम नहीं बदले मनोज यादव, ये मेरी बात ही नहीं समझ में, आपने नाम नहीं बदले, दूसरी बात आपकी सरकार ने नाम नहीं बदले, स्मृति ईरानी के नाम से आपने नाम बदले नहीं बदले मनोज यादव, ज्ञान आपने आप बताइए ना, आपने बदले नाम नहीं बदले, या सुन लो तो स्मृति यादव रखो, स्मृति मिश्रा रखो, मनोज यादव त्रिवेदी रखो, स्मृति चावला रखो, मनोज यादव मनोज यादव बीजेपी वाले, आप लोगों ने नाम बदले नहीं बदले, आप लोगों ने नाम बदले नहीं बदले, सांप सूंघ गया क्या आपको, सांप सूंघ गया था बाबर के नाम पर क्या, औरंगजेब के नाम पर आपको सांप सूंघा था क्या, बोलो बोलिए आपके लायक है क्या, बोलिए 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 अच्युतानंद मिश्रा रख दो मनोज यादव, करिए ना मिश्रा रख दो, करिए बाबर हीरो है आपके, एतराज क्यों हो रही है, वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे आप, स्मृति ईरानी का नाम हटाओ, आप एक व्यक्ति विशेष को लेकर अभी यहाँ पर सवाल उठेंगे, फिर सोनिया गांधी जी के नाम का जिक्र होगा, प्लीज ऐसे मत करिए, आप व्यक्तिगत आ जाते हैं, अकरम कादरी साहब, अक्रम कादरी साहब एक सेकंड, आपने पूरी डिबेट में नहीं बोला बाबर क्या है आपके, बाबर आइडियल है आपके, औरंगजेब आइडियल है आपके, नहीं बोलेंगे आप, बाबर जो कुछ है इतिहास में लिखा है आपकी नजर में क्या है, मनोज यादव होता है पढ़ने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं लिखा होता है, आप लोग समझते क्यों नहीं है, जो इतिहास में बुरी चीजें हैं आप उसको क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप उसको रिपीट क्यों कर रहे हो, जो बुरी चीजें हैं बाबर ने कत्लोगारत किया तो आप भी कत्लोगारत करेंगे फिर से, ये बोल करके कि इतिहास में ये हुआ था तो हम राजा है, हम मुख्यमंत्री है तो हम फिर से कत्लोगारत करेंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या लॉजिक दे रहे हैं आप लोग, एक सेकंड मनोज यादव, मनोज यादव मनोज यादव मनोज यादव यहीं पे बहस खत्म कर रहे हैं, एक सेकंड मित्र वाले हैं क्या, एक सेकंड मनोज यादव मनोज यादव मनोज यादव एक सेकंड, एक सेकंड मित्र क्यों लगा है, एक सेकंड एक सेकंड मनोज यादव मनोज यादव, 2019 में तो आप लोगों की सरकार बनी रही है महागठबंधन की, क्यों अब सुनिए ना मेरी बात, सर अकरम कादरी साहब के पास भी जाना है मुझे, प्लीज एक सेकंड एक सेकंड, ईरानी के नाम पे बीजेपी मनोज यादव, देखिए आप मनोज यादव सुनिए, बाबर रहा होगा वो इतिहास, सुनिए सुनिए मुझे मालूम है आप अपनी रणनीति अपना रहे हैं, आप बीजेपी को उकसा रहे हैं, आप बीजेपी को उकसा रहे हैं मुद्दों से फटक जाए, आप सवाल का जवाब ना, सीधे सवाल का जवाब दीजिए मनोज यादव, मैंने सीधा आपसे ये पूछा 2019 में आप लोग आ रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकंड, 2019 में आप लोग आ रहे हैं ये तय है ना, सरकार बनाएंगे ये भी तय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी ये भी तय है ना, अब मुझे बताइए अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो इसका मतलब जो बीजेपी ने किया आप वो लोग करेंगे, यानी आप सत्ता में आएंगे तो बाबर और औरंगजेब के नाम पर सड़कें फिर बनवाएंगे, यस और नो,
नहीं बिल्कुल, देखिए जो संवैधानिक जिसको इतिहास में जो दर्जा प्राप्त है। अरे सर मैं उसी दर्जे की बात कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत का इजहार है तो बोलिए ना खुल के। संविधान कोई बहुत परफेक्ट चीज नहीं है, हजारों बार संविधान में संशोधन हो चुका है। मनोज यादव ये हिंदुओं की राजनीति करे आप, मुसलमानों की राजनीति करे, ये सुस्ती करे की राजनीति करे आप, नहीं करे। एक सेकंड मिश्रा जी यहाँ वाले हैं। अरे सर आप तो वही यादव हो ना जिसको अपने पूर्वज कृष्ण का नाम लेने में भी शर्म आता है, जिसके नाम पे जिसकी आइडियोलॉजी पे ये हमारा देश बना है। पूरे राजनीतिक इतिहास में आपने गांधी का कोई भी नेता क्या करके कृष्ण मंदिर में आपको अपने पूर्वजों का नाम लेने में शर्म आती है? वही यदुवंश के मनोज यादव। प्लीज ऑडियो नहीं चलेगा। आपको खिलजी ज्यादा पसंद आता है, बाबर ज्यादा पसंद आता है, कृष्ण का नाम लेने में आपको शर्म आती है? कृष्ण की आत्मा की अधिकार से होगी कि हमारे वंशज कैसे हैं? स्मृति ईरानी भी नहीं, जिसको अपने पूर्वजों पे गर्व नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं है। एक सेकंड मनोज यादव ऑडियो नीचे करिए प्लीज। मनोज यादव प्लीज, हो गया हो गया, एक सेकंड। कादरी साहब ये मुगल नाम पर ही एतराज है आपको क्या? सिर्फ कि आप कोई भी नाम बदल दिए कोई दिक्कत नहीं? लेकिन नाम ये कोई ना कांग्रेस ने रखे ना समाजवादी ने, ये पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच में असल मुद्दे छूट रहे हैं। हमारा देश पीछे रह जा रहा है, देश की भुखमरी का आलम आज ये हो चुका है कि मनमोहन सिंह के टाइम में 53वें स्थान पे था, आज 106वें स्थान पे है। दिल्ली दिल्ली जैसी जगह में असल काम कर रहे हैं, नाम बदलने के नाम पे 41,000 करोड़ रुपए प्रयागराज पे खर्च हो रहा है। और दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत क्या है, जिस इंसान ने इलाहाबाद बसाया उसने नाम रखा अकबर ने। अगर इनको अकबर ने इलाहाबाद नहीं बसाया था, अकबर ने ही इलाहाबाद बसाया। शहर शहर इकबाल नहीं, पहले इतिहास पढ़ लो आप, पढ़ लो इतिहास। और प्रयागराज का नाम किसी ने नहीं बदला, आज भी वही है। जहाँ पे कुंभ मेला होता है आज भी प्रयागराज नाम एक है, और किसी ने नहीं बदला, किसी ने नहीं बदला। किसने बताया? कंट्रीब्यूट किया अकबर ने, किला बनवाया, कुछ कंट्रीब्यूशन किया, कुछ लेकिन इलाहाबाद शहर पूरा प्रयागराज नाम था, किसी ने नहीं बताया। यमुना का संगम कब से आप मुझे बताइए? ये खान और यमुना का संगम जहां गंगा हुआ था, यमुना का संगम सरस्वती का होता है, हजारों साल प्रयागराज है, किसी ने नहीं बताया। इलाहाबाद को नहीं बसाया, किसी ने नहीं बदला उसका नाम प्रयागराज का। ये झूठ मत बोलो यहां पे, आप प्लीज यहां झूठ मत बोलो। आप कर एक सेकंड आदमी साहब, आप अपने यमुना का उद्भव कब हुआ? जहां पे प्रयागराज नाम था वो किसी ने संदीप के पास भी जाना। एक सेकंड अकरम कादरी, एक सेकंड। अगर फैजा नाम का नाम अयोध्या रखा जाए तो आपको आपत्ति है? आप तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हो गए। अरे हम तो असल मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आप तो देश की भुखमरी दूर कर रहे हैं। अयोध्या नाम रख लेते हैं आपको, आप काला धन लेने को आए थे क्या? बोला था इन्होंने कादरी साहब, ये काला अगर दुगना हो गया के फैजाबाद का दिक्कत क्या? इनका दिक्कत ये है कि जो लोग दिल्ली के अंदर भुखमरी से मर जाते हैं, तीन तीन बहनें, उनका पुरसाने हाल कौन होगा? जो किसान 28,000 किसान शिवराज के उसमें मर चुके हैं, उनका पुरसाने हाल कौन होगा? उस पर कौन काम करेगा? जो पैसा तुम नाम बदलने पे कर रहे हो वो विकास पे खर्च। ठीक है, ठीक। अगर महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं तो इतने पैसे तो उनके नाम पे हॉस्पिटल बना, यूनिवर्सिटी क्यों ना हो? ठीक है, ये सवाल मैं भी पूछना चाहता था। संदीप द्विवेदी बहुत देर से आप इंतजार कर रहे होंगे, मनोज यादव तो काफी उकसा भी रहे थे आपको, मैं समझ रहा हूं। अब ये बताइए साहब, चुनाव प्रचार में आप जुटे हैं असल मुद्दों को भटकाने के लिए। जरूर पूछ लीजिएगा स्मृति ईरानी से, ईरानी है या कि नहीं? आप सोनिया गांधी जी का भी पूछेंगे, अकरम कादरी से? तो मैं पूछ लेता हूं स्मृति ईरानी का, बोलिए, पूछेंगे मनोज यादव? देखिए मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पास मुद्दे हैं नहीं। सोनिया में गांधी है, ये विकास की बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि 4.5 साल में जो पार्टी का नाम पार्टी ने विकास किया उसके आगे लोग नहीं बोल सकते। जिनकी सरकारें कारनामों के नाम पे गई हो वो भाजपा से पूछ रहे हैं कि आपने काम क्या किया। अरे काम किया हो ना किया हो जनता डिसाइड करेगी, कारनामे नहीं किए हमने। दूसरी चीज तिलक जी, मैं आपकी बात पे बहुत अच्छी टिप्पणी करूंगा। संदीप द्विवेदी 100 बातों की एक बात। एक सेकंड मनोज यादव प्लीज, मैं जा रहा हूं डॉक्टर विनीत आपके पास ही आ रहा हूं, एके मिश्रा के पास भी जाना मुझे। एक सेकंड आपकी बात, 100 बातों की एक बात। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप बनाते 100 स्मार्ट सिटी बनाते, किसी को कोई एतराज नहीं। उसका नाम रखते राम राम, उसका नाम रखते लक्ष्मण झूला, देखो कोई आपत्ति नहीं। उसको रखते आप किशन कुमार, देखो कोई आपत्ति नहीं थी। आपने क्यों नहीं किया? देखिए तिलक जी, आप बनाते 100 स्मार्ट सिटी बनाते, तिलक जी ये सिटी भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है। और दूसरी चीज में सर, जो आपने अरे सुनिए स्मार्ट सिटी बनाई है ना, सुनिए ना, नाम रखिए आप उसका। अरे सर जो पैसा अलॉट हुआ है वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में अलॉट हुआ, और सिटी स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज
इस सिटी का प्रयाग नाम रखने के पीछे एक और दूसरा बड़ा कारण है कि देखिए कहीं ना कहीं प्रयाग हिंदुत्व से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और वो एक बहुत बड़ा हिंदुत्व की टूरिस्ट स्थली भी है, वहाँ हिंदू बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। आप ये बोलिए इतिहास सुधार नहीं कर रहे, हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, इतिहास सुधार नहीं कर रहे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो किसको रोजगार मिलेगा? ग्रेटर गोल 2019 है, नाम बदलना अच्छी चीज है, लेकिन आप उसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी बनाते हैं, श्रद्धा है तो चुपचाप नाम बदल दिए। हम जब भी नाम बदलेंगे कोई ना कोई आप उसको पॉलिटिकल स्टैंड नहीं बताएं। क्यों आप रामपुर रखते ना, आप रखते रखमपुर, किशनपुर रखते आप स्मार्ट सिटी बना के। अरे जिस नाम से उसकी परंपराएं जुड़ी रही हैं हम वो नाम रखेंगे। अब बताइए अच्छा, हम क्यों उसका कोई नाम गलत अच्छा, रखेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रयाग के नाम से जाना जाता था तो हम प्रयाग नाम रखेंगे। देखिए समाजवादी पार्टियों को समस्या यह है कि आज आप स्मृति ईरानी के नाम पे इतना बवाल करते हैं, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया कि वो क्या नाम रखे क्या ना रखे। मुलायम सिंह को पूरा देश मुल्ला मुलायम सिंह कहता था। आपकी सांसद महोदया, आपकी सांसद महोदया मंगल सूत्र सिंदूर से परहेज करती है कि मुस्लिम रख सक जाए, और आप कहते हैं कि किसने क्या नाम रखा है। व्यक्तिगत तौर पर मत जाइए, एक सेकंड डॉक्टर विनीत को विंडो पर लीजिए। डॉक्टर विनीत अब ये बताइए, नाम बदलने की जो सियासत हो रही है, अब नाम बदला जा रहा है, हिंदू वोट देगा, इस बात की क्या गारंटी है? नाम बदलने से जहां तक मेरा मत है कि इसका वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। नाम जो बदला जा रहा है वो जो हमारी विरासत है, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति रही है, गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। 2019 इलेक्शन के 6 महीने पहले आपको गौरवशाली इतिहास याद आएगा? शुरू में नहीं आया, इलेक्शन के बाद भी करते तो भी किसी राज्य में इलेक्शन होता, फिर आप कहते हैं वैधानिक संस्थाओं पे भारत के योग्य नागरिक लोग बैठे हुए हैं तिलक जी, ये तो आप नहीं जानते हैं, वो एलिजिबल लोग बैठे हैं जिन्होंने आपको नाम बदलने पर प्रयागराज रखने पर। अच्छा आपने प्रयागराज रखा, मैं भी एक हिंदू, मैं क्यों वोट दूं आपको बताइए? अब बीजेपी को क्यों वोट दूं मैं? प्रयागराज सर आप बोलिए ना, बता दिया तो वोट उन्हें नहीं मांगना है, वोट हमें मांगना है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि मोदी जी ने साबित करके दिखाया। अभी दिखाओ विकास क्या किया आपने, अरे आप दिखाइए ना, आप दिखाइए हमारी पार्टी के कारनामे, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग। ये बयान सुनाइए जरा, जरा संदीप द्विवेदी और डॉक्टर विनीत को ये बयान सुनाइए। डॉक्टर विनीत ये देखिए, ये बयान सुनिए उसके बाद आ रहा हूँ, सुनाइए जरा बयान। बात सही है कि जो जो आक्रांता आए, जिन्होंने यहाँ की कल्चर को, यहाँ की परंपराओं को तहस नहस करने का प्रयास किया, उनके नाम पर अगर हम कोई किसी शहर का नाम, कोई काम है नहीं। ये जनता का दिमाग भटकाने के लिए ये नाम बदलने का एक बहाना इनका है। जब चुनाव आता है तो गरीबों के राशन कार्ड की बात करते हैं, उनको आवास शौचालय पेंशन दिलाने की बात करते हैं, और ज्यों चुनाव बीत जाता है तब ये भूल जाते हैं कि हमने जनता से वादा किया है कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, हम आपको बेहतर व्यवस्था देंगे, पुल पुलिया नाली खंजा चक्रोट आपका बनाएंगे, ये तब भूल जाते हैं, तब इनको याद आता है, ये फितूर का बयान देते हैं कि जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, अगर हिम्मत हो तो लाल किला का नाम बदल दें, उसको गिरा दें। जो नेता बिहार वाले बयान दे रहे हैं, वो जिस रोड पे चलते हैं उनका दादा बनाए हैं, वो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाया है, एक नई सड़क बना के दिखा दें, एक नई लकीर खींच के दिखा दें। संदीप द्विवेदी क्या ज्ञान बांट रहे हैं? राजनीतिक दुकानें बंद होने की कगार पे हैं, वो ज्ञान ही बांटेंगे, और अगर ओम प्रकाश अगर इन्हें यही लगता है कि कह रहे ध्यान भटका रहे हैं, तो सरकार से हट के दिखा, ध्यान भटका रहे हैं, अगर ध्यान भटका रहे हैं तो सरकार से हट जाए ना, क्यों बताइए ना, क्यों आप बताइए ना, अरे भाजपा की दम पे खुल कर कह रहे हैं, हिम्मत है तो भाजपा से हट के दिखा दो, आप निकालिए ना, आप निकाल दो, आप ध्यान भटका रहे हैं, बड़े दलों को निकाल दो, हम बड़े भाई के दर्जे में हैं, बड़ा भाई किसी को निकालता नहीं है, शिवसेना को निकाल दो ना, भाजपा का एक कल्चर रहा है, भाजपा ने किसी को निकाला नहीं है, अच्छा जिसको लगता है, जिसको लगता है कि ओपी राजभर कह रहे हैं भैया ध्यान भटका रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान तो ज्यादा निकाल दिया तो राजभर साहब को निकालने में क्यों देर लगा रहे हो? तो राजभर जी भटका रहे हैं, आप क्यों भटका रहे हैं? आप क्यों भटका रहे हैं?
एक सेकंड निकाला था बीजेपी के लोगों ने। अकरम दादरी साहब एक सेकंड। अब भैया असली मुद्दों पर तो चुनाव होगा या नहीं होगा ये जनता देख रही है, ठीक है? कैसे खेचेंगे आप बताइए, असली मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। एके एंटनी साहब ने बोला कि सॉफ्ट हिंदुत्व, आप तो कट्टर हिंदू बन गए, अब कैसे लाएंगे असली मुद्दों पर बताइए साहब। असली मुद्दों पे हम इनको याद दिलाएंगे, इन्होंने जो वादे किए, इनके पास ना कोई महापुरुष है, ये नाम किसका रखेंगे महापुरुष पे? गांधी जी को मारने वाले गांधी जी के चश्मे पे कब्जा कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की आवाज पे निकल के ना आने वाले उन पे कब्जा कर रहे हैं, पटेल जी गांधी जी को आपने मारा, अगर उनकी विचारधाराओं से इतनी नफरत तो आज उनको क्यों उनके चश्मे पे कब्जा कर रहे हो? आपके केस में फंसाने वाले गांधी के हत्यारों को पकड़ के दिखा देते मंदिर खुद लिप्त यही पे पोल खुल गई जिसको सुप्रीम कोर्ट कुछ काम तो मुगलों ने ऐसे कर दिए, ये सात जन्म में नहीं कर पाएंगे। कौन सा काम? सुन लीजिए बीजेपी ज्वाइन करना तो कर लेना, लेकिन सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए बिल्कुल। एक ताजमहल जैसी बिल्डिंग बनवा दो, नहीं बनवाओ ताजमहल के कारण इंडिया कंगाल हो गया, कंगाल नहीं हो गया, इंडिया में खजाना भरा जा रहा है, खजाना भरा नहीं जा रहा है, इंडिया ताजमहल के नाम पे होता है। शाहजहां इसलिए कंगाल हो गया, औरंगजेब ने जितने भारत की जमीन को बढ़ा दिया मोदी जी ने उसमें से घटा दी जमीन, जहाँ तक फैला दिया भारत में जोड़ दिए, आज ने बांग्लादेश तक को बनाने के चक्कर में इंडिया का खजाना शाहजहां का खजाना बर्बाद हो गया, लौट के लिए फ्रीज बैग में यही रहा खजाना, ऐसे ताजमहल के ही काम आ रहा है, देश गुलाम हो जाए। अकरम कादरी साहब यानी बाबर आपको गर्व होना चाहिए, औरंगजेब पर आपको गर्व है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप मुझसे क्या मोदी पे गर्व और योगी पे गर्व, आपको बाबर पे गर्व है, आपको औरंगजेब पे गर्व है, वो अच्छे काम करे वो एक्सेप्ट करेंगे, औरंगजेब ने अच्छे काम किए, इतिहास क्या औरंगजेब का? औरंगजेब ने अफगानिस्तान और चाइना की सारी जमीन भारत में मिला दी थी, अच्छा कोई इतिहास पता होना चाहिए, अच्छा। और इन लोगों ने बांग्लादेश जैसे कमजोर देश को जमीन दे दी, एक सेकंड, कई हजार गांव, कई हजार जमीन, इसलिए मुगलों का सलाम करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मुगलों का सलाम नहीं, मुगलों जो काम अच्छे किया हर काम थोड़ी बुरा। अरे तुम चाइना के बॉर्डर को नहीं मिलाते, लेकिन तुम इंडिया में डोकलाम में आज भी फौजें पड़ी हुई है, आप कहो मोदी जी पे गर्व करते रहो, हम डोकलाम में बात करेंगे, डोकलाम पे बात करो ना, आप 700 साल पुराने जा रहे हो, अभी बात करो, लेटेस्ट टाइम पे अक्साई जिम चला गया, बात करो, जिस आदमी ने बात करा दुगना पैसा हो गया, ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए।